ચૂંટણીની તારીખ નજીક છે એવામાં જ કામરેજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર પ્રફુલભાઈ પાનસરિયાના સપોર્ટ કરવા મુંબઈ થાણે વિધાનસભાના ધારાસભ્ય તેમજ તેમની ટીમને પૂના વિસાતરમાં અલગ અલગ સોસાયટીમાં ફરી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વરાછા વિધાનસભામાં કુમાર કાનાણીભાઈને સમર્થન માટે મુંબઈની ટીમ શ્રીજીનગર ખાતે લોકોની વચ્ચે આવી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મરાઠી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. मेरा नाम निरंजन डावकर है. मैं महाराष्ट्र से आया हूँ. मैं वहाँ पे विधायक हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हूँ. मैं थाना में रहता हूँ और हम लोग यहाँ पे गुजरात असेंबली के इलेक्शंस के लिए कामरेज विधानसभा में प्रवासी कार्यकर्ता करके आए हैं. यहाँ पे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के आए. इसका प्रयास हम सभी जन जब यहाँ के लोकल कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा के हम साथ में यहाँ पे उनके सहकार्य के लिए काम करने के लिए आए हैं. किस तरह का माहौल गुजरात में आपको लग रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो माहौल हमें नज़र आ रहा है वहाँ, यहाँ पे पूरा माहौल हम लोग अगर देखेंगे तो मोदीमय है. और मोदी जी के लिए भारी बहुमत से ज़्यादा सारे उम्मीदवारों को चुन के लाने का है. ये विचार लोगों के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है. जब जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब ये चीज़ हमें ध्यान में आती है.